ऑल राइट गाइस, यहाँ पर आज की वीडियो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के सबसे फेवरेट टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू की अर्निंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे काफी सारे कमेंट आ रहे थे, काफी भाई लोग जानना चाहते हैं कि यार जो मिस्टर फैजू है इनकी मंथली इनकम कितनी है, ये किस प्रकार अर्निंग्स करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी डॉट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर दोस्तों आप लोग भी मिस्टर फैजू के फैन है या आप लोग भी टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, तो ये बात आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि मिस्टर फैजू की मंथली इनकम कितनी है और ये किस प्रकार कहां से अर्निंग्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिस्टर फैजू की पहली अर्निंग सोर्स के बारे में कि किस प्रकार अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर फैजू का जो मेन अर्निंग सोर्स है वो है टिकटॉक क्वाइन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि टिकटॉक पर जिन लोगों का 1K+ फैंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उनमें लाइव का ऑप्शन आता है, उसमें लाइव आकर फैंस के द्वारा क्वाइन मिलता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार जब मिस्टर फैजू अपने टिकटॉक पर लाइव आते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं वो इनको क्वाइन देते हैं। तो दोस्तों उसी क्वाइन को ये रुपये में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा मिस्टर फैजू की बहुत सारी अर्निंग्स हो जाती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिस्टर फैजू की सेकेंड अर्निंग सोर्स के बारे में कि किस प्रकार अर्निंग करते हैं सेकेंड सोर्स के द्वारा। तो दोस्तों मिस्टर फैजू का जो सेकेंड अर्निंग सोर्स है वो है फोटोशूट। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी इनको इन्वाइट करती है फोटोशूट के लिए और यहाँ पर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर इनके फैंस से भी इनको मिलने का मौका मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो इनको कंपनी इनवाइट करती है फोटोशूट के लिए उनके द्वारा इनको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, इसके द्वारा भी मिस्टर फैजू की बहुत सारी अर्निंग्स हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिस्टर फैजू की थर्ड अर्निंग सोर्स के बारे में। तो दोस्तों मिस्टर फैजू का जो थर्ड अर्निंग सोर्स है वो है इनका सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, जहाँ पर दोस्तों इनके करीब 3.5 मिलियन+ फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपना एक स्तर पर नाम बनाना चाहती हैं तो ये लोग करते क्या है, ये लोग कंपनी वाले अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं और इसके बदले बहुत सारे पैसे देते हैं। तो दोस्तों इसमें मिस्टर फैजू क्या करते हैं, इसमें ये लोग इन कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट लेते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर इनका प्रचार करते हैं, तो इनको भी इसी के द्वारा बहुत सारे अर्निंग हो जाती हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं जिनका ये लोग प्रचार करते हैं और इससे बहुत सारी अर्निंग कर लेते हैं, इससे बहुत सारे पैसे इनको मिल जाते हैं। मिस्टर फैजू का यही टॉप 3 अर्निंग सोर्स है जहां पर इनको दोस्तों बहुत सारे पैसों की अर्निंग हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिस्टर फैजू का मंथली इनकम कितना आता होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से मिस्टर फैजू का मंथली इनकम करीब 60 से 70 हज़ार रुपये महीने आता होगा। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी मिस्टर फैजू की अर्निंग के बारे में, यही कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।